Hey guys, welcome back to another vlog. It is day 4 of the trip and आज है 3 November. कल हम लोग निकल रहे मुंबई के लिए वापस. आज है लास्ट डे यहाँ का. सो आज यहाँ का लास्ट डे हमारा. एंड आज हम लोग पूरा चिल करने वाले हैं रिसोर्ट में. कहीं पर बाहर नहीं जाने वाले. देखते हैं लंच या डिनर में बाहर जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिसोर्ट में टाइम पास करेंगे. अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग स्विमिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मज़ा आता है स्विमिंग में. चलो गाइस, डन विद द स्विमिंग. बहुत ज़्यादा मज़ा आई. आज लास्ट डे, तो पूरा जी भर के स्विमिंग कर लिया. अभी पूल पूरा खाली पड़ा है, ये देखो. मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ. नहा धो के रेडी होके हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने. हम लोग बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और पीछे से ओ ये व्यू तो बहुत मस्त है, तो एक फ़ोटो निकालनी पड़ेगी. मेरे रूम के बाहर ये वाला जो है थोड़ा सा ऐसा बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए, आराम से चाय वाय पीने के लिए है. लेकिन मैंने इसका 3 दिन में कभी भी यूज़ नहीं किया. आज देखते हैं शाम को वगैरह अगर बैठ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पियेंगे. मस्त लगता है यहाँ पे, व्यू वगैरह एकदम सही लगता है. बाय द वे गाइस, अगर आप केरला आ रहे हो तो अगर एडल्ट से फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी कि दोनों डोज कम्प्लीट हो चुके हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जैसे टिकट निकाल के आते वैसे आना है, और इधर भी अलाउ कर देंगे. अगर बच्चे हैं तो उनको RT-PCR नेगेटिव का सर्टिफिकेट लगता है. फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर एडल्ट्स भी नहीं है तो उनका RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा. एंड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स तक ही वैलिड रहता है. तो जैसे अगर मैं कल निकल रहा हूँ तो मुझे आज RT-PCR करवाना पड़ेगा. अगर वो नेगेटिव आता है तो ही मैं जा सकता हूँ. अभी आज मैं करने वाला हूँ अपना RT-PCR एंड देन हम लोग निकलेंगे. कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया केरला में सिंगल लेन रोड से सारे, डिस्टेंस भले ही कम हो. जैसे कि अभी ये वाले रिसोर्ट से कोचीन एयरपोर्ट तक 160 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन लगते 4 घंटे हैं, और ट्रैफिक होगी तो और भी ज़्यादा. अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के रेडी होता हूँ. इन 3, 2, 1. ओके गाइस, रेडी हो चुका हूँ. एंड ये देखो पीछे, इतनी बार मैं ये वाले व्यू को देखता हूँ उतनी बार अच्छा लगता है. एनी हू, चलते अभी ब्रेकफास्ट के लिए. आज का दिन तो पूरा चिल है, एकदम मज़ा आ रही है आज. गाइस, मैं आज स्लीपर पहन के निकला हूँ, क्योंकि शूज़ पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. मम्मी पापा आ रहे होंगे या फिर पहुँच रहे होंगे. मैं चलता हूँ रिसेप्शन पे, देखते. 3 hours later. अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं. एंड हम लोग 2-3 घंटे से रिसोर्ट में आ गए थे. सीधा लंच ही करके आ गए. एंड हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया. मेरा एंड मेरी बहन का नेगेटिव रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट था, तो हम लोग RT-PCR टेस्ट करवाने गए थे. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए आराम से. एंड देन और फिर तभी ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया, तो सीधा लंच ही करके आ गए हम लोग. मॉम डैड अपने रूम रेस्ट कर रहे थे, मैं और मेरी बहन मेरे रूम पे आ गए थे. मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा था. अभी तक कुछ भी एडिट नहीं कर पाया, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं. आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो कर लिया मैंने. अभी कल वापस हम लोग जा रहे हैं मुंबई. गाइस, हम लोग ने लास्ट शॉट के बाद कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया. इधर उधर घूम रहे थे बस रिसोर्ट में. एंड अभी बज रहे
एंड रात के अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं, तो अभी डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी सी पैकिंग, कल निकलना है सुबह जल्दी। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, यहाँ से जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे आराम से, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बीच रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करेंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी, इससे अच्छा हम लोग जल्दी निकले। अभी फ़िलहाल मेरा सब पैकिंग हो गया है, बाकी एक दो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है, वो सब बैग में डालने के बाद आई एम सेट। फटाफट से कॉफी पीता हूँ देन पूरा सामान लेके निकलता हूँ। गाइस वी आर हियर एट द कोचीन एयरपोर्ट एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए। चेक इन वगैरह हो गया, बैगेज सब दे दिया एंड 20 मिनट फ्लाइट डिले है, तो हमारे पास 2 घंटे है एयरपोर्ट पे स्पेंड करने के लिए। कुछ खाते पीते हैं, टाइम पास करते हैं। One hour later. So guys, we are back in Mumbai. अभी शाम के 6 बज रहे हैं, आज 4 नवंबर है एंड लक्ष्मी पूजन आज ही होता है, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी अभी लक्ष्मी पूजन की तैयारी पूजा करके एंड कल नासिक के लिए निकलना है। पूरा टाइट है, मैंने अभी नहा लिया है, नॉर्मल से कपड़े पहन लिए, अभी थोड़ी तैयारी करके अच्छे कपड़े पहन के पूजा करेंगे। तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो गाइस मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता दो। अभी 10:15 हो रहे हैं एंड पूजा वगैरह हो चुकी है, डिनर वगैरह करेंगे, थोड़ी पैकिंग भी करनी है कल के लिए एंड अभी बहुत ज़्यादा फटाके फोड़ रहे लोग, कब स्टॉप होएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैंने तो इस बार एक भी फटाका नहीं फोड़ा है, छोटे मोटे फटाके फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आवाज़ वाले बिल्कुल भी नहीं। आपको आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। अभी करते हैं इस वाले वीडियो को ख़त्म, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, गुड बाय।